बाद बच्चों, मैं स्वास्तिका त्रिपाठी, आपकी हिंदी अध्यापिका डीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट चार पत्ते ही पत्ते कहानी को पढ़ा था। आज हम लोग इसके अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। ये है आपका अभ्यास कार्य। यहाँ लिखा है घर कैसे जाओगी। तो बच्चों, आप अपने घर किस साधन से जाती हैं या जाते हैं, उस साधन का नाम लिखना है, यानी उस सवारी का नाम लिखना है, ठीक है? फिर दिया है कि तुमने इसमें से किसकी सवारी की है, सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। ये देख रहे हैं ना, ये हाँ का निशान है और ये नहीं का निशान है, ठीक है? तो इस निशान को आपको लगाना है। अब कहाँ लगाना है, आइए मैं बताती हूँ। बच्चों देखिए, यहाँ लिखा है सवारी, ये आपको दिख रहा है ना, सवारी का नाम भी लिखा है और इसका चित्र भी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। और मैंने सवारी की है, ठीक है, मैंने सवारी की है और मैंने सवारी नहीं की है। किस चीज से आप सवारी किए हैं और किस चीज से नहीं किए हैं, जिससे सवारी किए हैं उसमें टिक लगाएंगे और जिससे सवारी नहीं किए हैं उसमें क्रॉस लगाएंगे, यानी नहीं, ठीक है? तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको देखते हैं। रिक्शा, रिक्शे पे तो सभी लोग सवारी करते हैं, सभी गए होंगे, ठीक है? बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी से बहुत कम लोग आते जाते हैं, बैलगाड़ी में आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है? साइकिल, ऊंट पे सभी सवारी नहीं करते हैं तो ऐसे कर दीजिए। स्कूटर, भैंस पे तो कोई सवारी नहीं करता है तो आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है? इसको आप अपनी बुक में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ लिखा है तुम कैसे जाते हो, कहाँ जाते हो, तो दादी के घर। आप जिस चीज से दादी के घर जाते हैं आप यहाँ लिखेंगे, उस साधन का नाम लिखेंगे। सिनेमा देखने कैसे जाते हैं, यहाँ लिखेंगे। स्कूल किस साधन से जाते हैं, यहाँ लिखेंगे। हाट बाजार आप कैसे जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, उनका नाम लिखना है, आपको खुद ही लिखना है। यहाँ दिया है बताओ, सवारी, ये सवारी है, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ्त में। किस चीज से आप सवारी करेंगे, तो टिकट लगेगा। किस चीज से सवारी करेंगे, तो पैसा लगेगा। और किस चीज से सवारी करेंगे, तो मुफ्त में आप जाएंगे, ठीक है ना? तो उस पे आपको टिक लगाना है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में क्या लगता है, टिकट लगता है ना, तो आप रेलगाड़ी टिकट, ठीक है? ये भैंस है, तो भैंस आप मुफ्त लगा दीजिए। ये क्या है, रिक्शा, तो इस रिक्शे पे क्या होता है, रिक्शे से हम जाते हैं तो पैसा देते हैं, ठीक है ना? साइकिल, ये भी मुफ्त में है, ठीक है? ऊंट, पैसा लगेगा।
बैलगाड़ी, मोप, बस, इसमें भी टिकट लगता है। माँ की गोद मुफ्त में है, ठीक है। नीचे क्या ऊपर क्या, ठीक है, नीचे क्या और ऊपर क्या, इसका मतलब ये हुआ क्या चीज नीचे रहता है और क्या चीज ऊपर रहता है। गन्ना जमीन के ऊपर उगता है, गन्ना तो आप लोग देखे होंगे ना, और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीजों के चित्र बनाइए, जैसा कि ये मूली दिया है, मूली का ये जो जड़ है ये खाते हैं तो ये जमीन के नीचे होता है, ये मूली दिया है ना, यहाँ आप गाजर का चित्र बना सकते हैं। ये देखिए ये गन्ना है, गन्ना का ये खाने वाला जो चीज होता है ये ऊपर होता है। गन्ना के बगल में आप आम का पेड़ भी बना सकते हैं। ये रहा आपका अभ्यास कार्य, तो ये आपके बुक में दिया हुआ है, सिर्फ बुक आप ओपन करेंगे, यहाँ जैसे लिखा है कि घर कैसे जाते हो तो आप यहाँ उस सवारी का, उस साधन का नाम लिखेंगे। फिर मैंने यहाँ बता दिया है कि किस पे मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है, टिक लगा दिया है, आप लोग भी अपनी बुक में लगा देंगे, ठीक है। तुम कैसे जाते हो, आप लोग अपनी दादी के घर कैसे जाते हैं, सिनेमा देखने कैसे जाते हैं, स्कूल से आप घर कैसे आते हैं, और हाट बाजार किस साधन से जाते हैं और किस साधन से आते हैं, आपको लिखना है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका अभ्यास कार्य, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और अपने बुक में इसको जैसे जैसे मैंने बताया है इसमें वैसे वैसे आप लोग टिक लगा लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अभ्यास कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।